दोस्तों, अभी एक फिल्म का टीजर आया है जिसका नाम है आदि पुरुष, जो कि हमारे भारत के महाकाव्य रामायण के ऊपर बनाई गई है। और उसमें आप रामायण के पात्र देखिए किस प्रकार से क्रिएटिविटी के नाम पर जो है हमारे सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको रावण का पात्र दिखा देता हूं। अब आप जो नीचे फोटो देख रहे हैं, ये देखिए, ये आपको कहीं से रावण लग रहा है क्या? मुझे तो ये रावण कम अलाउद्दीन खिलजी ज्यादा लग रहा है। रावण की आप दाढ़ी देखिए भाई, क्रिएटिविटी के नाम पे आप कुछ भी करोगे। अब मैं आपको दूसरा फोटो दिखा देता हूं, ये देखिए, इस फोटो में रावण जो है चमगादड़ की सवारी कर रहा है, जबकि हमारे रामायण में रावण जो है पुष्पक विमान से अपनी सवारी किया करता था। और जो पुष्पक विमान था वह भगवान कुबेर का था, जो कि मन की गति से भी तेज चलता था। अब क्या ये चमगादड़ भी मन की गति से तेज चलेगी क्या? मतलब क्रिएटिविटी के नाम पर आप कुछ भी करोगे, और हद तो तब पार हो गई। अब मैं आपको हनुमान का भी पात्र दिखा देता हूं, ये देखिए, ये मैं अब आपको हनुमान का पात्र दिखा रहा हूं जो कि आदि पुरुष में दिखाया गया है। अब आप हनुमान की दाढ़ी देख लीजिए, अगर तिलक को हटा दिया जाए तो ये हनुमान जी कम मुगल के कोई शासक लग रहे होंगे आपको। कोई ना कोई नाम आपको जरूर सूझ रहा होगा मन में कि हां, ये मुगल का कोई शासक लग रहा है। अब एक और फोटो मैं आपको दिखा देता हूं, जिसमें हनुमान जी चप्पल पहने हुए हैं, जबकि हमारे हनुमान जी जो कि श्री राम के परम भक्त थे वह खड़ाऊ पहना करते थे। अब ये तो आप छोड़िए, एक और मैं आपको दिखा देता हूं फोटो, जो कि हमारे मेन करेक्टर हैं श्री रामचंद्र जी भगवान, जिनके चेहरे पर एक तेज चमकता था, जो कि काफी विनम्र थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। लेकिन अब आप आदि पुरुष में देखिए, आदि पुरुष में श्री राम जी जो दिखाए गए हैं वह सिक्स पैक वाले दिखाए गए हैं, विनम्रता तो इनके चेहरे पर कहीं से भी नहीं झलकती है। मतलब क्रिएटिविटी के नाम पर आप कुछ भी करिएगा, हिंदुओं के आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करिएगा, क्योंकि उनको पता है जो हिंदू हैं वो कुछ दिन फुदकेंगे फिर शांत हो जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से ही, और कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी जो है इसका विरोध ज्यादा से ज्यादा होगा। और विरोध ही नहीं, मैं तो अपतु आपसे ये कहूंगा, कमेंट में आप जो कमेंट करें वह वैन के लिए करें, क्योंकि ये फिल्म जो है बैन होनी चाहिए। बॉयकॉट नहीं, बैन होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी दूसरे धर्म पर ऐसी फिल्म बना के देखिए ना, तब आपको पता चलेगा। हर बार हिंदू ही क्यों झेले? अभी कुछ दिनों पहले एक हमारी देवी का फोटो आया था जिसमें सिगरेट पीते हुए दिखाया था। मतलब आप कुछ भी दिखाएंगे, तो निवेदन यही करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि लोग जागरूक हों, और इस फिल्म का बॉयकॉट के साथ साथ फिल्म बैन होनी चाहिए। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।